तो देखिए लगातार जी राजस्थान पर ये खास पेशकश आप देख रहे हैं, शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, मिलावट खोरों के खिलाफ कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड पर इसका कितना असर नजर आ रहा है ये हम जानेंगे, और लोग कितने जागरूक है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनका हम रुख करेंगे। अजमेर से मेरे साथ अशोक जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा बीकानेर से त्रिभुवन रंगा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और जोधपुर का भी हम रुख करेंगे, अरुण हर्ष का वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बीकानेर चलते हैं और जानेंगे त्रिभुवन रंगा से। त्रिभुवन, शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जा रही है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है किस तरीके से शिकंजा यहाँ पर कसा जा रहा है। पहले आपसे जानना चाहूंगी कि लोग कितने जागरूक हैं, क्या इस अभियान का असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? जी मैंने बिल्कुल, जो स्वास्थ्य विभाग है वो पिछले कई दिनों से लगातार है जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ रखा है, और लगातार वो मिलावट खोरों पर कार्य भी कर रहा है। इसका असर लोगों पर पड़ा है, लोगों में एक जागरूकता आई है, लोग पहले मिठाई को चेक कर रहे हैं कितनी पुरानी है या कब की बनी हुई है उसको भी पूछ रहे हैं, दुकानदार से भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो विभाग कार्रवाई कर रहा है वो कितनी सार्थक है या सिर्फ खाना पूर्ति है, सभी ये बात करते हैं। सर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहे हैं, आप जागरूक नागरिक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार की ये पहल अच्छी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ये कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल कहूँगा, अच्छा अभियान कहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विभाग के ही कई कार्मिक जो हैं पहले से ही सूचित कर देते हैं कि यहाँ कार्रवाई हो रही है, वहाँ स्थिति ये हो रही है कि वहाँ से सामान हटा दिया जाता है, हालात ये बन रहे हैं क्योंकि अब दीपावली को 2-4 दिन रहे हैं और कार्रवाई अब हो रही है, तो इसकी रिपोर्ट कब आएगी? तो इसकी कहीं ना कहीं सवालिया निशान अपने आप ही अभियान पर लग रहा है। होना ये चाहिए था कि ये कार्रवाई 1 महीने पहले होती और इसकी रिपोर्ट जो है दीपावली से पहले आती तो शायद जो इस अभियान की सार्थकता नजर आती, लेकिन अभी मात्र खानापूर्ति का ये अभियान लग रहा है। जी, खानापूर्ति का अभियान लग रहा है, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है? जैसे भाई साहब ने कहा, ये खानापूर्ति है। अगर आपको संदेह लगे कि यहाँ मावा खराब है तो उसे तत्काल एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर बाद में फिर वो आ जाता है कि ये गलत है मावा या मतलब बेकार है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी के जीवन में बीमारियां फैलाने के कारक है, तो उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, हाथों हाथ कार्रवाई हो कि यहाँ पे संदेह मिलता है कि मावा खराब है, और वहीं पर जाँच होनी चाहिए। दिवाली के समय क्यों होता है ये, उससे पहले क्यों नहीं होता? मावा ऐसी चीज़ है कि हर एक घर के खाने में, मिठाइयों में, सब में यूज होता है। तो ये मतलब प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही कहूँगा कि दिवाली के समय पर आकर मावा चेकिंग करते हैं, खाना पूर्ति के लिए बड़े अधिकारियों के, मंत्रियों के दबाव में करते हैं, ठीक है ना, निष्पक्ष काम नहीं होता, ये सिर्फ खाना पूर्ति माना जाएगा, निष्पक्ष काम नहीं होता। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, मिठाई लेने जाते हैं, दिवाली सर पे आ गई है, घर में लोग मिठाई मंगाते भी हैं, आप क्या कहेंगे? सर, मैं कहता हूँ ये अभियान तो बहुत बढ़िया है, जैसे भाई साहब ने कहा कि ये खाना पूर्ति है, तो कई जगह अपन बोल सकते हैं कि ये हो सकता है खाना पूर्ति हो, लेकिन ये अभियान लगातार चलना चाहिए, जैसा ऐसा नहीं कि सिर्फ त्योहारों के सीज़न में आए, और हम देखो त्यौहार के सीज़न में ही हम ज़्यादा मिठाई खरीदते हैं, तो ये मुनाफाखोरी के चक्कर में ये लोग नकली मावा वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये गलत है, और अभियान से हम बहुत खुश हैं। अभी अभियान से कुछ लोग खुश हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपने काफ़ी दीपावली अपने जीवन में देख ली है, इस तरह की कार्रवाई भी देख लिया है, क्या कहेंगे आप ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है और ये जो सरकारें कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो इसी समय क्यों करती है? क्या आम आदमी को रोज़ की ज़रूरत नहीं है? हर चीज़ की रोज़ की ज़रूरत है क्या? हर रोज़ मिलावट नहीं होती? पर्टिकुलर त्यौहार पे और उस पर ही वोट के टाइम में ही इनको त्यौहार याद आता है और इनको स्वास्थ्य की चिंता होती है। तो त्रिभुवन, यही कहा जा रहा है कि सतत प्रक्रिया अपनाई जाए, सिर्फ दिवाली के वक्त ही आखिर क्यों इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं? क्या उससे पहले मिठाई का इस्तेमाल घरों में नहीं होता है? ये रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं और कुछ लोग असंतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अरुण हर्ष का मेरे को करना चाहूंगा, जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ में कि लोग यहाँ कितना संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, कि यहाँ पर भी ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जागरूक कितना है जोधपुर के वासी? देखिए मणि, अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह नगर है, इसमें हम लोग है जो डिप्टी सीएमएचओ से बात करेंगे, बात इसलिए करेंगे, राज्य सरकार ने हालांकि 17 से लेकर 21 तारीख का अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उससे पहले 13 तारीख से इन लोगों ने अभियान शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी कह सकते हैं 48,500 किलो जो है मसाले पकड़े गए थे। मावा है, फैब्रिकेट मावा आता है, डुप्लीकेट मावा आता है, उसके कार्रवाई है।
घी तेल के ऊपर कार्रवाई है, तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कार्यवाही की गई है। किस तरह से आप लोगों ने लगातार अभियान चलाया और अभी तक कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई, मेरे ख्याल से जोधपुर में पहली बार देखने को मिली इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों ने घी तेल पकड़े, मावा पकड़ा, मसाले पकड़े एक्सपायरी डेट के। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे शुद्धकली युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने 13 तारीख से ही ये अभियान शुरू कर दिया था और इसके अंतर्गत हमने कई जगह मिलावटी मावा हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गए, घी हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सभी तरह के सैंपल्स भी लिए हैं और जहां प्रथम दृष्टिया ये लगा कि ये बिल्कुल ही मिलावट इसमें मिली हुई है और ये सही नहीं है तो उसको सीज भी किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि 45,600 किलो जो मसाला था एक्सपायरी मसाला जो कि एक कोल्ड स्टोरेज में था और बिकने के लिए तैयार हो रहा था, हमने उसको जब्त किया है। इसी की तरह हमने 113 टिन परसों जो रात भर कार्रवाई चली है उसमें घी जब्त किया है, कल भी हमने करीब करीब 122 टिन है घी जब्त किया है। ये लगातार जारी रहेगा, ये सिर्फ दिवाली तक ही नहीं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। एक बात पब्लिक जानना चाहेगी कि लोगों को कैसे पता चले ये सिंथेटिक मावा है या जो मावे की मिठाई खरीदने जाते हैं कैसे पता चलेगा आम लोगों को? नहीं, आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और प्रशासन द्वारा ये एक मोबाइल वैन भी चलाई जा रही है जिसके तहत वो खुद भी जांच करा सकते हैं। और जैसा कि ज्ञात होता है कि इस त्योहारों के सीज़न में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं जो कि मिलावट मिलती है, तो विभाग तो है ही है इसमें, आम पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि वो ऐसी जगह से जहाँ सामान ना खरीदे जहाँ पे ऐसा लगता है उनको कि मिलावट हो रही है। अच्छा, मूल्य एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि घी का मूल्य क्या चल रहा है। अगर कोई आपको सस्ती दरों में कोई भी तरह का सामान बेचने का प्रयास करता है तो वो जरूर मिलावट खोरी होगा और उसकी सूचना आप विभाग को भी दे सकते हैं, जिला प्रशासन को भी दे सकते हैं, 181 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मुखबिर योजना चलाई गई है उसमें भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपनी कह सकते हैं लगातार जिस तरह से जो है प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, भले ही राज्य सरकार का आदेश 17 तारीख से था लेकिन उससे पहले ही 13 तारीख से ये अभियान शुरू कर दिया और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, ऐसा नहीं है दीपावली तक ही ये अभियान चलेगा। बिल्कुल अरुण, अभियान के तहत किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन सी कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। और मैं अरुण चाहूंगी इससे पहले कि मैं अशोक का रुख करूं, एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि आप दुकान के बाहर मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी दुकान पर जाहिर तौर पर कस्टमर भी पहुंच रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी उनका भी आप रिएक्शन लें यहाँ पर कि कस्टमर इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, कितने जागरूक है। मनी अभी हम दुकान के बाहर नहीं है, हम दुकान जो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है उस सब का कंक्लूजन लेकर खड़े हैं, तो दुकान पे बाहर इसलिए नहीं है हम ताकि हम जनता से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डिप्टी CMHO जो हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, एक बार दोबारा उनसे जानूंगा। सर, कलर लगी हुई मिठाई भी ज़्यादा होती है, तेज कलर लगे हुए होते हैं उससे भी पता चल जाता है कि डुप्लीकेट है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार विभाग द्वारा उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और सैंपल्स लेते वक्त प्रथम दृष्टिया में जो हमको चीज़ पता चल जाती है तो उस तरह की जो मिलावट और कलर लगे हुए हो रहे हैं तो उनको उसी वक्त हम जब्त या नष्ट करवा देते हैं, नहीं तो हम उनके सैंपल्स ले रहे हैं और अगर सैंपल्स उनके फेल होते हैं या सब स्टैंडर्ड आते हैं तो जिस तरह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में ये सैंपल पास या फेल है पता चल जाएगा? बिल्कुल, इसमें जैसा कि नॉर्मल अगर हम सैंपल्स लेते हैं तो 13 से 14 दिन लगते हैं, लेकिन जैसे सीजन का वक्त है सैंपलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। अशोक का हम रुख कर लेते हैं, अजमेर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक के पास हम जा रहे हैं और अशोक से हम जानेंगे कि अशोक वहां से क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, यहां पर ग्राहक जो हैं आम जनता कितनी जागरूक है इस अभियान के तहत। जी बिल्कुल, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अजमेर में भी जारी है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जा रहे इस अभियान को लेकर लगातार दुकानों पे पोस्टर भी विभाग की ओर से चिपकाए गए हैं जिससे कि आम जनता को यहां पर जागरूक किया जा सके। तो आप अलग अलग दुकानों पे इस तरह से कार्रवाई भी यहां पर जो की जा रही है और सैंपल भी लिए जा रहे हैं, कई लोग जो है वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं। हम आपको सीधे यहां पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं वहां लिए चलते हैं जहां पर अलग अलग जो सैंपल हैं वो जो यहां पर मिष्ठान भंडार में बनाए गए हैं उन सैंपल को पर लिया जा रहा है क्योंकि लोगों को सतर्क करने के साथ ही जो मिलावटी चीज है उस पर नजर रखी जा सके, उस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम स्थानों से सैंपल यहां पर उठाए जा रहे हैं। महेश जी हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी चाहते हैं, उनसे पूछते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी आपने 4,000 किलो चीज और 1,000 किलो पनीर जब्त किया था खराब, इसी तरह से निरंतर कार्रवाई की जा रही है, आज किस तरह की कार्रवाई है और पहले भी किस तरह से कार्रवाई की है? माननीय मुख्यमंत्री जो महोदय की मंशा के आधार पर आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देशों के अनुसार दिवाली के अभियान को देखते हुए मिठाई, दूध, पनीर, मावा एवं दूध से बनी अन्य वस्तुओं के लिए स्पेशल एक ड्राइव चलाई जा रही है दिवाली पर, तो उसके अंतर्गत ही कार्यवाही लगातार जारी है 17 तारीख से और आज उसी क्रम में
चंदूमल गागुमल एक फर्म है मदार गेट पर जो पेंठे के व्यापारी हैं, वहां से पेंठे का नमूना लिया गया है। इनका बताना है कि पेंठा आगरा से मंगवाते हैं, मंगवा करके यहां पैक करके भेजते हैं, तो उसकी क्वालिटी की जांच के लिए नमूना लिया गया है। बाकी देखने से तो पेंठा ठीक ही लग रहा है, जांच के बाद ही पता चलेगी। अभी जो जनाना अस्पताल के आसपास आपने जो कार्रवाई की थी, बड़ी संख्या में भारी मात्रा में जो खराब मावा पकड़े थे, उनका क्या किया, जो सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी? अभी जनाना अस्पताल के सामने पिछले दो दिन पहले ही एक कोल्ड रूम था जहां पर काफी मात्रा में पनीर और चीज स्टोर किया हुआ था जो कि दूषित था, बिल्कुल बदबू आ रही थी, जिसमें से करीब 1000 किलो पनीर था और करीब 3-4 हजार किलो करीब चीज थी जो कि खराब हो चुकी थी बिल्कुल। उसको सीज करके नष्ट करवाया गया, वहीं पर गड्ढा खुलवा के जेसीबी से और उसको वहां दबा करके नष्ट करवाया गया है और वहां उसके पनीर और चीज के नमूने लेकर के लैब भेजे गए। लैब से रिपोर्ट आने के बाद उनके रिपोर्ट के अनुसार ही कार्रवाई आगे हुई। जनता जागरूक हो उसके लिए क्या किया जा रहा है? मैंने बाहर पोस्टर देखा, इसके अलावा लोगों को किस तरह से जागरूक? लोगों को भी हम लगातार जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि भाई मिठाई देखकर खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें, साफ सफाई का ध्यान जिस दुकान रखा हो वहां से खरीदें, उस पर डेट वगैरह डाल रखी है, उसने नहीं डाल रखी, उस पर किस में बना रहा है, मीडिया में वनस्पति में बना रहा है या घी में बना रहा है, ये चीज भी देखे वो। और विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि खुले मसाले और खुले तेल से बचें। खुले मसाले में मिलावट की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती और सरकार भी बिल्कुल मना कर चुकी है तो खुले मसाले नहीं खरीदने हैं। रोजाना कितने सैंपल ले रहे हैं, इनकी रिपोर्ट कितने दिन में आती है? रोज पूरे अजमेर में करीब 12 से 14 सैंपल लिए जा रहे हैं और आज तक तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये तमाम जानकारी हमने हमारे सहयोगियों ने अपने दर्शकों तक साझा की है। तो जी राजस्थान अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि देखिए अभियान तो लगातार चल रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी, लेकिन आप लोगों का भी जागरूक रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। और क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक है, ऐसे में कोई भी मिठाई खरीदने से पहले बचें और जांचें परखें कि क्या ये मिठाई खाने योग्य है या नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।